हमारे बीच में सुबेदार पान सिंह बजेली जी, दीवान नाम जी, जगत सिंह नयाल जी, बची राम जी, आसिफ सैनिकों की ओर से अपना मांग पत्र आदरणीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री को अजय भट्ट जी दे रहे हैं। मैं यहाँ पर बीच में आ जाइए, सम्मानित कार्यक्रम को सम्मानित करने के लिए। उत्तराखंड के 2022 के चुनावों को लेकर कांग्रेस और भाजपा पूर्व सैनिकों के भरोसे प्रदेश में चुनावी माहौल बनाने में जुटी है। चुनावों में महज 2 महीने का वक्त बचा है, ऐसे में अब भाजपा और कांग्रेस में जनता को तरह तरह से वादे व प्रलोभन दिए जा रहे हैं। अल्मोड़ा की सोमेश्वर विधानसभा इन दिनों इसका केंद्र बना हुआ है। इस विधानसभा में पहले कांग्रेस ने पूर्व सैनिक का सम्मान किया तो फिर भाजपा ने भी सैनिक सम्मान किया, जिसमें दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत दिखाई। लेकिन इनमें वो हुनर नहीं है, इनके हाथों में वो सिकत नहीं है, इनके पास वो सोच नहीं है जो राज्य का भाग्य बदल सके। ये तन ऐसा है, जब राज्य का भाग्य तो आगे के लिए बनेगा, एक उत्तराखंड नए तरीके का उत्तराखंड, संस्कृति उत्तराखंड के साथ ऊंचा उठेगा, या फिर हम बिखर जाएंगे, हमारे सपने बिखर जाएंगे। इस समय हरीश रावत, मैं आप जिन पदों पर बैठ गया हूँ, जहां तक पहुंच गया हूँ, उससे आप और बड़ा नहीं हो सकता। मेरी योग्यता भी नहीं है, उम्र भी शांत नहीं मिल रही, लेकिन मैं एक बात आपसे कह सकता हूं कि यदि आज आप चूक गए तो मेरे बाद कोई उत्तराखंड के लिए रहने वाला भी नहीं। मैं एक रास्ता बना करके जाऊंगा, जो रास्ता आपके बच्चों के काम आएगा, जो आने वाली आपकी पीढ़ियों के काम आएगा। जो लोग उससे नाराज भी रहे होंगे, कुछ खुश होते हैं, कुछ नाराज होते हैं, लेकिन कभी कभी राजनीति को अलग रखना पड़ता है। मैं सबसे हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ कि इस समय राजनीति को अलग रख दीजिए, केवल 2022 में कांग्रेस का स्थान दे दीजिए, ताकि मैं एक उत्तराखंड का ऐसा रास्ता कांग्रेस के हाथों बनवा सकूं, जिस रास्ते पर हमारे राज्य आंदोलन के सपनों का उत्तराखंड बना, जिस उत्तराखंड को आपने बनाया वो सपने साकार हो सके। गरीब, दलित, पिछड़ा, कमजोर, महिलाएं, नौजवान एक खुशहाल जिंदगी जी सके, ऐसा उत्तराखंड बनाने के लिए मुझे आपका समर्थन चाहिए, आपका साथ चाहिए। बहुत अच्छा लगा आप सब आए, बड़ी बड़ी से परिवर्तन लाना है, परिवर्तन के घर बाहर बनो, उत्तराखंड के गांव धाम घाटी घाटी से आवाज उठनी चाहिए। हमारा आपसे वादा है, जिंदगी के बहुत समय नहीं है, जितना था हमने आपके लिए लगाया, और उस समय यदि कहीं झोले रोके लिए तुम लोग तो भी बाजे न अलकौर जिंदाबाद। आपके नाम को मैंने कभी नीचा नहीं होने और कभी अपना समर्पण आपके लिए छोड़ा नहीं, जबकि अंदाज लगा लो 20-22 साल से आपने मुझसे वोट देने का कोई रिश्ता नहीं रखा। मैं और मेरे परिवार का कोई व्यक्ति यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ से वोट लेकर के किसी पद पर नहीं है, लेकिन मेरे दिल में हमेशा आपके लिए स्थान रहा। और मैंने इसलिए जब मैं मुख्यमंत्री बना, मेरे हाथ में बात आई तो मैंने अल्मोड़े के विकास की कोई कहानी ऐसी नहीं है जिसको न लिखा हो, जिसको आगे न बढ़ाना चाहता। आज मैं चाहता हूँ आप हमारा साथ दें, अल्मोड़ा लीड करे, बागेश्वर चंपावत पिथौरागढ़ लीड करे, सबको रास्ता दिखाए, ताकि मैं यशपाल आर्य जी से कहूँ कि यशपाल जी और नैनीताल और उधम सिंह नगर कशी को नहीं जाते, तुम जरा जोर लगे दियो, यहाँ पे सारे कसर और कसर दूर है, और मैं तुम्हारी कोई तारीफ नहीं करता। कांग्रेस के हरीश रावत ने जहां पूर्व सैनिकों के जरिए आम आदमी से 2022 में कांग्रेस को सत्ता में लाने की बात कही, तो वहीं भाजपा की रेखा आर्य और अजय भट्ट ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 2022 में जिस तरह से लोगों में उत्साह है, मोदी जी के प्रति प्रेम है, और हमारी सरकार उत्तराखंड की जितना अच्छा काम कर रही है, तो साफ जाहिर होता है कि हम भारी बहुमत से यहाँ आ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी बिल्कुल मोदी जी के नक्शा कदम पर चल रहे हैं। देखिए, मैं समझती हूँ कि कांग्रेस या हरीश रावत जी जो कुछ भी कहते हैं या जो कुछ भी करते हैं, उनका तो राजनीतिक एस्पेक्ट हो सकता है, हमारा एस्पेक्ट सीधा सीधा जो है जनसेवा करना है, सैनिकों का सम्मान करना है, सैनिकों के लिए काम करना है। हम भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो राज्य में हो, दोनों ने सैनिकों के लिए उनके हित में काम किए हैं, चाहे वो उनके NDA CDS के लिए उनको प्रोत्साहन देने के लिए 50,000 की धनराशि हो,
या उनके आश्रितों को जो प्रोत्साहन राशि मिलती है उसमें 10,000 की धनराशि कट दी गई हो, या उनके प्रशिक्षण का विषय हो, या वन रैंक वन पेंशन हो, ये सारी उपलब्धियां हैं जिसके लिए सैनिक भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। बता दें कि उत्तराखंड की मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार समिति की कमान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को सौंपी है। तो वहीं बीजेपी राज्य में दिसंबर तक 252 बैठकें आयोजित करेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई केंद्रीय मंत्रियों के कार्यक्रम राज्य में आयोजित किए जाएंगे। अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।